अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे केकी न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। खराब प्रदर्शन नहीं बल्कि इस बड़ी वजह से युवराज को रखा गया मुंबई की प्लेन 11 से बाहर। क्रिकेट का महाकुंभ IPL फिलहाल भारत की धरती पर जारी है, जहां देश विदेश के क्रिकेट अपना अपना जलवा बिखेरने में लगे हुए हैं। मौजूदा IPL पर नजर डाले तो ज्यादातर युवा क्रिकेट सपना जलवा बिखेरने में लगे रहते हैं, जबकि क्रिकेट के प्रदर्शकों का ध्यान उस पुराने क्रिकेट पर भी जो है कभी IPL के बेताज बादशाह हुआ करते थे। उसी क्रम में भारत के स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह की बात करें तो युवराज सिंह मौजूदा सीजन मुंबई इंडियंस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें पिछले 4 मुकाबले में उन्हें टीम से मौका मिला, जबकि 5वें मुकाबले में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। युवराज को रखा गया प्लेइंग 11 से बाहर। 6 अप्रैल को हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए मुकाबले पर नजर डाले तो मुंबई इंडियंस ने युवराज सिंह को टीम प्लेइंग 11 से बाहर रखा। उनकी जगह ईशान किशन को एक मध्यक्रम बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतारा है। हालांकि युवराज सिंह की जगह टीम में जगह बनाने वाले ईशान किशन एक बल्लेबाज के तौर पर टीम के लिए ज्यादा संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर सके। युवराज सिंह के टीम से बाहर होने के बाद मुंबई इंडियंस के ज्यादातर प्रशासकों को इस बात की हैरानी थी कि युवराज को टीम से बाहर क्यों रखा है। टीम से बाहर रखने की वजह, युवराज सिंह को टीम से बाहर रखने की असली वजह पर नजर डाले तो मुंबई इंडियंस के ज्यादातर प्रशासक ईशान किशन को टीम की प्लेइंग 11 से बाहर रखे पर खफा थे, और वह लगातार मांग कर रहे थे कि ईशान किशन को टीम की प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए। शायद इसी बड़ी वजह से मुंबई इंडियंस ने युवराज सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर करके ईशान किशन को टीम में मौका दिया। फिलहाल टीम की सबसे बड़ी चुनौती है कि वह आगामी मुकाबले में कौन से क्रिकेट पर भरोसा जताएगी, क्योंकि युवराज सिंह और ईशान किशन का प्रदर्शन लगभग एक तरह का ही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।